यो तो आ गए, आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वैसा सर ऑयल किस नए गेम प्ले वीडियो में, क्योंकि आपको आज जो होने वाला है ना वो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं आज के इस गेम प्ले में आप कह रहे थे अपडेट के बारे में बताओ और वैगम वगैरह लेके क्यों नहीं जाते, तो कैसे इन सारी चीज़ों को हम आज कंप्लीट करेंगे, मतलब वैगम भी लेके जाएंगे और अपडेट के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज लूट मिली है ना वो नेक्स्ट लेवल थी, आज जैसा लूट कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आओ यार अपने इस गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देना ऑल पे, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग से गेमिंग वीडियोस देखने को मिलता रहे। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डायनामाइट्स हेल्थ और एल्कोहल बनाया है। डायनामाइट किस लिए बनाया है वो तो अभी वीडियो में अभी आपको आगे पता चलने वाला है। और डायनामाइट से रिलेटेड जब भी कोई काम होता है ना तो माल मसाला मज़ा सही आ जाता है। तो गाइस फिलहाल के लिए गाइस मैं आ चुका था सिल्वेस्टर, और सिल्वेस्टर किस लिए आया हूँ वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं अपने हॉर्स के साथ आता हूँ सिल्वेस्टर पर। सिल्वेस्टर आने के बाद मेरे को मिलना है इस लेडी से। ये जो लेडी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेडी है, बहुत प्यारी लेडी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे लेडी क्या ही कहें, आई लव यू गाइस, आई लव यू लेडी, अरे आई लव यू। तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलते ही मेरे को जो मैप का पीस तो नहीं मिलता, लेकिन 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 गाइस मुझे एक सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है वो है ये। मतलब पहले अपडेट में ऐसा कुछ भी शो नहीं होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी ग्राफिक के साथ शो हुआ है। मतलब कह सकते हैं अपडेट में जो लूट हुई होगी वो भी ज़्यादा बढ़ा दी गई होगी, कम कर दी गई होगी, ये सब मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है ना, मतलब ये लूट वाली, मैं डायनामाइट भी काफ़ी सारे इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये लूट वाली वीडियो देखनी है ना तो आपको उसके लिए एक टारगेट मैं सेट करता हूँ। हमारे अभी 767 सब्सक्राइबर हैं, तो गाइस आप 800 कंप्लीट करवा दो तब आपको ये लूट वाला जो गेम प्ले है ना वो देखने को मिलने वाला है। और लूट कुछ ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा तबाहीदार होने वाला है। तो दिल थाम के बैठे रहना, क्योंकि ये वीडियो तभी आएगी जब हमारे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दोबारा से काफ़ी सारे डायनामाइट को क्राफ्ट किया, क्योंकि जो ये लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल लूट होने वाली है। तो उसके लिए भी हमें नेक्स्ट लेवल चीज़ों को भी लेके जाना होगा, और वहाँ पे जो कैरेक्टर मिलेगा वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा वो तो अभी आपको पता ही ठीक नहीं है, तो उसको भी आपको पता करना होगा। तो आज के इस गेम प्ले में भी हम यही नहीं करने वाले, आज के इस गेम प्ले में भी लूट हुई है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लूट हुई है, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऐसे ही आप वीडियो को स्किप कर देते हो फिर भगा देते हो। तो वीडियो में आगे पता चलेगा जो लूट है वो नेक्स्ट लेवल लूट होने वाली है, और जो हम जिस सिटी पे रेड डालेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो फिलहाल के लिए जो मेरे पास फालतू की सामग्री थी उसको मैं इधर उधर प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा बहुत टास्क वगैरह चेक कर लेता हूँ, क्या पता कुछ बढ़िया आया हो, लेकिन ये कुछ बढ़िया दे नहीं रहे होते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे को काफ़ी तेज़ भूख लगती है, तो यहाँ पर आता हूँ अपने बेंच में, फूड बेंच में, और यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ ताकि मेरे को दोबारा से भूख ना लगे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लूट करने जा रहे हैं। और लूट करने के लिए हमें करना होगा फाइट, फाइट करने के लिए हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी करना होगा, लेकिन हम ये सारी चीज़ें करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमारे ये दो पैट हैं, ये क्या ही करेंगे यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो चलो तुम भी साथ में चलो, मैं एक को थोड़ा बहुत फूड दे देता हूँ जो कि मेरे पास नहीं होता, एक ही पीस होता है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसे दे देता हूँ, और दूसरा जो पैट था उसको साथ में लेके चलेंगे, इसका भी लेवल अप होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ से मैं निकलता हूँ, निकलने के लिए मेरे को सबसे पहले मेरा हॉर्स चाहिए होगा। अरे मेरा हॉर्स कहाँ गया, अरे हाँ मैंने तो हॉर्स का प्लेस ही बदल दिया है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे अभी जो ओट्स हैं वो भी कलेक्ट नहीं हुए थे, और जो हमारा हॉर्स है वो इस साइड है, मैंने थोड़ा जगह चेंज कर दिया था, मैं भूल गया था। तो फिलहाल के लिए जो एक ही क्राफ्ट होता है तो मैं उसको ले आता हूँ, क्योंकि आज हम वैगम का भी यूज करने वाले हैं। तो अब यार अपने इस गेम प्ले को अब आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल के लिए फाइनली लूट को, मतलब जो ओल्ड रोड है वो आ ही गया, मतलब काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद ओल्ड रोड इज़ कम, और जो लूट है ना वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है, वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, अब मैं आगे बताऊंगा लूट मेरे को क्या ही चीज़ मिली। फिलहाल मेरे को एक फिश मिलती है यहाँ पे, ब्लैक वुल्फ होता है, तो इसको मैं किल कर देता हूँ, अब आगे देखना क्या ही चीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा वेट करता हूँ, और वेट करने से पहले जो ये बंदा होता है इसको मैं फिलहाल के लिए किल कर देता हूँ, और ये मेरे नीरो को तो मार ही देता, बच गया मेरा नीरो, अरे थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो शूटर आता है ये भी इसको किल कर ही देता, लेकिन नहीं किल करता, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो मेरा जो ये नीरो है वो बच जाता है, और इसका एक और लेवल अप होना चाहिए था, और ये डिस्ट्रॉयर का एक लग जाता है, और जो हमारा नीरो है वो डाउन हो जाता है। तो नीरो तो गया, लेकिन अभी भी हम बागी हैं, नीरो का मैं फूड नहीं लेके आया, जाहिर सी बात है उसकी फूड बनाने के लिए भी काफ़ी सामग्री लगती है, तो मैं वो सामग्री नहीं देने वाला। नीरो को हम जाएंगे खाना वाना खिलाएंगे, वो अपने आप ही हीलिंग वगैरह कर लेता है। तो ये शूटर देखो, अरे
पापा से भेंट हो गए, पापा से भेंट हो गए। तो हम यहाँ पर आने के बाद, जैसे यहाँ पे हम आते हैं, आने के बाद ये देखो ये हमारा हॉर्स लेके जा रहा होता है। मुझे पता है इस केव से कोई ना कोई निकलेगा ही, तो मैं ट्राई कर रहा था क्या पता निकले और हम जैसे उसको संटी धर दे। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ और मेरे को सामने एक बंदा शूटर दिख जाता है और ये वैगम पे वॉर ना करे इस वजह से मैं साइड में जाता हूँ। साइड में आने के बाद ये देखो यहाँ से निकला है ना, मैंने कहा था यहाँ से निकलेगा ही। और ये अपने डॉग्स के साथ आता है, एक ये बगर भी आता है जो कि कंफ्यूज होता है मैं किस साइड से जाके वार करूं। और ये स्नाइपरिस्ट तो मेरे ऊपर बुलेट चलाता ही रहता है। तो यहाँ पे जो ये गन था मैंने लास्ट वाले गेम प्ले में मैंने इसको रिपेयर किया था, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब अमेजिंग भी है ना, एक लेवल का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेवल होता है। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ये वैगम थोड़ा आगे चल रहा होता है तो मैं सोचता हूँ इस ब्लैक बुल्फ को मारूँ, लेकिन मैं नहीं मारता, उसने कुछ कहा नहीं अब तक। जैसे वार करने के लिए आएगा हम उसको तो लपेट ही देंगे, तो क्या ही दिक्कत आ रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रहा। तो जो यहाँ पे आता हूँ आने के बाद हमारा बस कम्प्लीट ही होने वाला है। और ये देखो ये वैगम के उसमें फंस गया था, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी आते तो क्या पता एक दो थोड़ा हमको चेप पाते, लेकिन मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम नहीं चेप पाए लेकिन अपन जरूर चेपेगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये आता है जो कि काफ़ी तेज़ी से अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और मेरा जो हेल्थ है काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रहा था। तो अपन बाल बाल बचा, अब तक मैंने हीलिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करी, हीलिंग को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कल की या परसों की जब भी आप 800 के करवाओगे तब मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और मैं थोड़ा बहुत एनिमेशन भी करता हूँ, तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो कमेंट करना और बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। वैसे काफ़ी जने करते भी हैं, लेकिन काफ़ी जने नहीं करते कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा कच्चा है, जैसे ही अच्छा होगा काफ़ी ज़्यादा ही हमारी फैमिली भी बढ़ेगी और हमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल के लिए आज इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा जो नए साल है उस तब तक हम अपने चैलेंज को कम्प्लीट कर दें जो कि है 1000 सब्सक्राइबर पूरे। तो आई होप मैं कर पाऊँ, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चैलेंज तो लिए जाते हैं पूरे करने के लिए, लेकिन वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेरी हेल्प करना चाहते हो और नहीं करना चाहते, वो तो आपके ऊपर है। तो आई होप मैं वीडियो अच्छी बना पा रहा हूँ, बनाऊँगा तो अपने आप ही आकर्षित होंगे। और ये यहाँ पे 4 डब्बे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारे के सारे जितने भी बंदे थे सबको मैंने यहाँ पे किल कर लिया। मेरा डांस करने का मन था, लेकिन जो ये वैगम का साउंड है ना काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है, और यहाँ पे मैं लूट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हो रहा था कि लूट के अंदर क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं डांस कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरे को फील हो चुका था कि लूट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं फिश को कलेक्ट करता हूँ, यहाँ दीदी से मैं थोड़ी बहुत बातें करता हूँ। हेलो दीदी, आप काफ़ी दिनों बाद आए, मेरे को काफ़ी ज़्यादा आपकी याद आई। तो यहाँ पे मैं इनसे कहता हूँ और फटाफट से लूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और लूट में ना जो चीज़ें हैं ना वो भर भर की चीज़ें मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ा आया। और इस मज़े को है ना आपके साथ शेयर करने में तो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे जो लूट देखो आपको भरा भरा सा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये ऐसा ही है, मतलब लूट है ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मिला। और ये तो अभी पहला ही बॉक्स खुला था, अभी 2-3 बॉक्स अभी और भी बाकी हैं, तो 3 पेटी को और खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक एक करके इकट्ठा कर रहा था ताकि मैं अच्छे अच्छे सामानों को पहले लेके जा पाऊँ, क्योंकि 5 मिनट का टाइम था, उस बीच आपको सारी लूट ले जानी भी पड़ेगी। और इसके अंदर तो मेरे को पता है कि हमें बाउल मिलने वाला है, जाहिर सी बात है छोटे से बॉक्स में एक बाउल ही आ पाता है और एक ही बाउल देते हैं। और गाइस पहली बार ओह इन्होंने दिया ग्लिसरीन जो कि डायनामाइट बनाने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, तो हमने और भी ज़्यादा डायनामाइट को इकट्ठा कर लिया है। तो आप जाहिर सी बात है जो डायनामाइट है वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, मतलब तबाही मचा देंगे। जो लूट होगी ना अगली वाली, जो भी हम जिस भी टाउन पे लूट करेंगे वो जो लूट होगी ना वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो फटाफट से 100 केस पूरे करवा दो, क्योंकि मेरे को वीडियो डालने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बनाने में भी, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी उस वीडियो को डालूँ, तो जल्दी से करवा दो। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो ये भी लूट बिल्कुल पूरा बॉक्स भरा हुआ था गाइस, एक भी बॉक्स का डब्बा खाली नहीं था और सारे बॉक्सेस के डब्बे भरे हुए थे। और ऐसे ही भरे भरे लूट में लेना तो गाइस अपन जल्दी ही अमीर हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, यहाँ पैसा हो, यहाँ लूट वहाँ लूट। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे लूट है ना जो कि अभी बैग पैक में ही है, मतलब बॉक्सेस वगैरह में ही रह गए, तो मैं आके दोबारा से इनको लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ जो चीज़ मैं ले जा सकता हूँ ना ज़्यादा ज़्यादा, वाटर बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अल्कोहल से अपनी हीलिंग बनाते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं लेके ही जाऊँगा 100%। तो यहाँ पर आने के बाद मैं फटाफट से बाहर जाता हूँ, बाहर जाने के बाद मेरे पास वैगम भी है और हमारे पास हॉर्स भी है, तो दोनों के अंदर है ना हम प्लेस कर देंगे अपनी लूट को, और दोनों को जो लूट है आई थिंक 8 हमारा 8 बॉक्स है ना खाली हो जाएगा, मतलब 2 स्लॉट खाली हो जानी चाहिए, नहीं 2 से आधा, तो यहाँ पे 5, ओ नहीं गाइस 5 और ये नो 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 हम नो नो जो स्लोट है ना वो खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे हॉर्स के अंदर भी प्लेस कर देता हूँ, जो हमारा वैगम है उसके अंदर भी प्लेस कर देता हूँ। वैसे वैगम के सारे अगर बॉक्स अनलॉक हो जाएं तो आपको जाहिर सी बात है जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैगम लेके जाओ,
सारा काम इजी, सारा काम इजी, एक बजी में भर के लूट लिया और भर के लेके जाओ सारी सामग्री और भर के लेके आ जाओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा मैं कम करने की कोशिश करूँगा, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे लूटों को ढूंढ रहा था कि इसमें अच्छा लूट है, जैसे कि यहाँ पे जो ये स्टील हो गया, यहाँ पे लेदर हो गया, तो इनको मैं पहले लेके जाऊँगा ताकि मैं ज़्यादा पछताऊँ नहीं अगर ये चला भी गया। तो यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर कुछ बेकार सी चीज़ें थी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी जो कि मेरे को चाहिए ही थी। तो गाइस फाइनली मैं आता हूँ फटाफट से, गाइस हमको लूट को है ना इधर उधर प्लेस करना होगा, तो लेदर को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। लेदर यहाँ पे प्लेस हो गया लेकिन अभी भी कुछ लेदर रह रहे हैं, तो इस पतली सी गली में मेरे को पता है यहाँ पे कहीं पे मैंने लेदर को रखा था, तो ये रहा वो जगह। और यहाँ से मैं स्टील को वापस ले लेता हूँ क्योंकि सामग्री को अगर हम इधर उधर रखेंगे ना तो बाद में टाइम पर मिलता नहीं है, तो दिक्कत सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लेदर प्लेस कर दिया और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मेटल बॉक्स में मैंने मेटल को प्लेस कर दिया, यहाँ पे कुछ हीलिंग्स थे उनको भी प्लेस कर दिया, ग्लिसरीन भी इसी में, और हमारे पास बस दो चीज़ बताएं, वुड और कोल। तो वुड और कोल को भी प्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं फूड वाले में आता हूँ, और फूड में आने वाले का इसके अंदर मैं कुछ वाटर बॉटल प्लेस करने वाला था लेकिन जाहिर सी बात नहीं कर पाया, और इसके अंदर हमारा कोल प्लेस हो गया। अब हमारे को है ना फटाफट से हॉर्स को भी करना होगा, वैगम तो मैं लेके नहीं आया क्योंकि फालतू में हॉर्स की फीड बेकार होते, मैंने ऐड देखा और वहाँ पे चलाया, और आप कह रहे थे वो कॉफ़ी खा लो लेकिन अभी मेरे पास कॉफ़ी याद नहीं रहा मेरे को कॉफ़ी खाना, जाहिर सी बात है। तो कॉफ़ी मैंने खाया और यहाँ पे मेरे पास लेदर कुछ प्लेस करने थे और लेदर के लिए तो जगह ही नहीं यहाँ पे। और है ना ये 10 बार हर दिन, ये ओल्ड रोड है ना, अपन गारंटी के साथ कह सकता अपन अमीर हो जाएगा रातों रात, अमीर रातों रात, समझ रहे हो, रातों रात, रातों रात अमीर कैसे होते हैं पता है ना आपको, तो अपन रातों रात अमीर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वुड्स वगैरह को और बच्चे हुए थे जिनको मेरे को प्लेस करना था, तो इनको मैं फटाफट से प्लेस कर देता हूँ और दोबारा से आ जाता हूँ अपने ओल्ड रोड पे। ओल्ड रोड पे आने के बाद सारी की सारी सामग्री को मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ, बस ये लास्ट बॉक्स बचा था जिसको कलेक्ट करना था, तो यहाँ पर मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। अब सारी सारी, हाँ ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आप काफ़ी दिनों बाद आए मिल के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आप आए और ऐसा ही दोबारा आते रहना, आपको भी धन्यवाद कि आप आए, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और इनको भी कह देते हैं। तो फाइनली गाइस आई होप आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना अगर आपको कुछ भी प्ले करने में दिक्कत आ रही हो तो, और एक आपके लिए भी हेलो, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नारायण, टेक केयर।